नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। मैं हूँ आपके साथ अजय ठाकुर। भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज अब खत्म होने की कगार पर है। पहला टी20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े में खेला गया। उस मुकाबले को भारतीय टीम ने 2 रनों के बहुत ही मामूली अंतर से जीत लिया और दूसरा मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय टीम को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। और अब भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमों की निगाहें तीसरे टी20 पर टिक गई है। तीसरा टी20 मुकाबला शनिवार 7 जनवरी राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले हर किसी के मन में बस एक ही सवाल होता है, पिच कैसी होगी, मौसम कैसा रहेगा, क्या बारिश दखलंदाजी देगी, क्या बारिश की वजह से मजा किरकिरा होगा। इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। आपको वीडियो में बताएंगे कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जहां पर भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाना है, उस मुकाबले के दौरान मौसम कैसा रहने वाला है, क्या बारिश होगी और पिच का मिजाज कैसा रहेगा। भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। शनिवार 7 जनवरी को शाम 7 बजे से यह मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज की बात करें तो पहला मुकाबला भारत ने जीता, दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को पटकनी दी। सीरीज इस समय 1-1 की बराबरी पर है, लिहाजा यह तीसरा मुकाबला डिसाइडर मुकाबला है। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी उस सीरीज पर अपना कब्जा जमाएगी, 2-1 से सीरीज जीत लेगी। दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि सीरीज जीते और जो ट्रॉफी है वो अपने पास रखे। भारत की टीम कोशिश करेगी, जो भारत का रिकॉर्ड रहा है, भारत में जो रिकॉर्ड रहा है उसे बरकरार रखे। तो वहीं श्रीलंकाई टीम की बात करें तो हाल ही में एशिया की चैंपियन टीम बनकर उभरी है, तो कोशिश होगी कि उसी तरह खेले और भारत को भारत में टी20 सीरीज में पटकनी दे। बहरहाल राजकोट के मैदान पर तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला जिस मैदान पर खेला जाना है उस मैदान के बारे में कहा जाता है कि ये बल्लेबाजों के लिए मुफीद मानी जाती है। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो राजकोट का मैदान बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। इस मैदान पर बड़े टोटल लग चुके हैं। राजकोट के SCA स्टेडियम में कोई स्पष्ट विजेता नहीं है, क्योंकि बल्लेबाजी करने वाली और पीछा करने वाली दोनों टीमों ने 2-2 बार जीत हासिल की है। अगर हम इस मुकाबले के लिए वेदर रिपोर्ट देखें, वेदर रिपोर्ट शनिवार 7 जनवरी राजकोट का मौसम मैच के लिए अनुकूल है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तो वहीं 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान किया गया है। पिच रिपोर्ट के मुताबिक राजकोट का मैदान बल्लेबाजी के लिए मुफीद है। बल्लेबाज यहां पर जमकर रन बरसा सकते हैं, चौके छक्के लगा सकते हैं। हालांकि टॉस का जो एक फैक्टर रहता है वो इस मैदान पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अब तक जो 4 मुकाबले इंटरनेशनल लेवल पर खेले जा चुके हैं यहाँ पर, उसमें 2 बार बैटिंग फर्स्ट तो वहीं चेस करते हुए दो बार टीमों ने मुकाबला जीता है। वहीं अगर मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान बारिश की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल, तीसरा टी20 मुकाबला आपके मुताबिक कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।